क्योंकि इस समय ही ज्यादा फल आने के चांस रहते हैं। इस समय फल की जो मार्केट हो, सब्जी की जो मार्केट होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है और काफी ज्यादा अर्निंग का चांस भी रहता है। अब तो किसान भाई का सब कुछ नष्ट हो गया है। सभी किसान भाई को मैं नमस्कार। किसान भाइयों, ये वीडियो तो खास तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आज एक किसान ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखाया था, आपने बहुत सारा प्यार उस वीडियो पे हमको दिया था, आज उसी वीडियो पे लेके आएंगे जो पीछे हमारे देख रहे हैं, जो लौकी की खेती किसान भाई ने किया था। अचानक से मूसलाधार बारिश लगातार 24 घंटे होने के किस तरीके से सब कुछ डूब गया, उस पानी में बह गया, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। किसान भाई, ये देख रहे हैं, हमने आपको दिखाया था बहुत पहले ही, लौकी किस तरीके से हरी भरी एकदम बेहतरीन तरीके से फल दे रही थी। और करीब किसान भाई ने, ये 3 महीने की फसल हुई होती है, लगभग 1.5 महीने उसने फल की तुड़ाई अच्छी से कर पाए थे। बाकी देख रहे हैं किस तरीके से धराशाही हो गई पूरी फसल, जमीन में लिपट गई और सब कुछ, जितने पौधे सड़ गए, और यहाँ पे किसान भाई का जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। आप देख सकते हैं लौकी के भी छोटे छोटे जो है फल भी लगे हुए हैं, लेकिन अचानक से लगातार 24 घंटे मूसलाधार बहुत तेज़ी बारिश के साथ साथ बरसात भी, हवा बहुत तेज़ी से होने के कारण से जो फसल थी लौकी की पूरी तरीके से ढह गई है। और ये मचान भी द्वारा लौकी खेती की गई थी, हमने आपको दिखा था किस तरीके से फल ले रही है और कैसे, कितनी दूरी में, कितनी मेहनत से ये लगाया गया था, हमने आपको पूरा A to Z सारा वीडियो दिखाया था किस तरीके से कब कैसे किया जाता है। ये देखिए किसान भाई, कच्चा सौदा तो होता ही है, लेकिन क्या किया जाए, ये अचानक से प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता है, कब प्रकृति किसके ऊपर जो है हावी हो जाए। और ये तो एक ही किसान भाई का नहीं, जितने भी किसान भाई होंगे, जैसे कि परवल की खेती हो गई, लौकी की खेती हो गई, भिंडी की खेती होगी, तरोई हो गई, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ये नुकसानदायक सिद्ध हुआ। और देखें किस तरीके से पौधे सड़ गए हैं, और यहाँ पे जितने लौकी, ये अभी कम से कम लौकी 1.5 महीने भी लगातार फल देती, और फिर किसान भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर ले जाता। लेकिन क्या हुआ कि ये मानसून जो दिखाई नहीं पड़ रहा था, जो सूखे का पूरा रुख बना था, वो अचानक से आने के कारण से जितनी फसल थी पूरी नष्ट हो गई। और देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे किसान भाई ने एक एक करके किस तरीके से, जो हमने आपको दिखाया था करीब 15 दिन में, इन्होंने जो ऊपर का जो तार की बुनाई की जाती है, बुनाई उसने किस तरीके से किया था, सब कुछ वो अचानक से ख़त्म हो गया। अभी लौकी जो है फल देना बंद नहीं की थी, लगातार फल दे भी रही थी, ये जो छोटे छोटे फल देख रहे हैं आप, अभी यही फल बड़े होके जो है काफ़ी ज़्यादा अभी ये इनकम का स्रोत होते, लेकिन अचानक से सब कुछ ढह के ख़त्म हो गया। किसान भाई, ये आशा किया जाता है कि, उम्मीद किया जाता है कि इसको इस जगह पे खेती किया जाए जहाँ पे बहुत ही ऊंचा स्थान हो, तो किया भी क्या जाए इसमें, अब किसान तो खेत में आना ही बंद कर दिया जब से फसल पूरी नष्ट हुई है। आप भी बताइएगा किस तरीके से इसे बचा जा सकता था, अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो। हम आपको बताएंगे कि इसका मेन कारण जो इस तरीके से जो नष्ट हो गया, क्यों हो गया, किस कारण से, किस गलती के कारण से हो गया। किसान भाई यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे थोड़ा और आ जाइए, यहाँ पे जो ये बांस लगाए गए हैं, देखिए जब लौकी की जो लताएं होती हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने के साथ साथ इसमें जब फल आ जाते हैं, फल फूल आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा और भारी हो जाता है। हमने आपको दिखाया था कि जब ये फल की तुड़ाई की जा रही थी, तो हमने आपको अंदर से दिखाया था कि लगभग ज़मीन में सारे लताएं छूने टच करने लगी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें जो ये देख रहे हैं जो लताएं में यहाँ पे इसने किसान भाई ने जो पतले पतले से बांस का प्रयोग किया गया था, इसमें से मोटे मजबूत बांस का प्रयोग करना चाहिए था, और बीच बीच में इन्होंने कहीं पर भी जो तार का प्रयोग किया था उसको साइड में किया था, कॉर्नर पे किया था, बीच में कहीं पे भी तार का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए था कि जो बीच में कम से कम जो 10 बिस्से का खेत है, इसमें कम से कम 50-60 लवर, 50-60 गुंठा यहाँ पे जो तार का होता, मोटे वाला तार का, उसको भी इस पर दौड़ाना चाहिए था, उसको जो है एकदम टाइट बांधना चाहिए था। तो यहाँ पे जो देखेंगे उसी कारण से जहाँ पे थोड़ी सी भी मजबूती, जहाँ पे तार का आपको दिख रहा है, जहाँ पे फल अभी जो लताएं हैं जो ऊपर दिख रही हैं, उनका मेन कारण इसलिए है क्योंकि वहाँ पे लताओं की मजबूती व उस कॉर्नर पे जो है तार लगाए गए हैं,
उसी कारण से वहाँ पे जो पौधे हैं अभी ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे जब आपको कहीं भी आपको अगर मचान भी द्वारा सब्जी की खेती कर रहे हैं बरसात के टाइम में, तो आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ पे पानी के निकलने का स्थान जो है होना चाहिए। और फल तो सबसे ज़्यादा मचान विध में होता है, सबसे ज़्यादा कमाई मचान विध में होता है, और सबसे ज़्यादा घाटा भी अगर अच्छी तरीके से प्रकृति आपके ऊपर हावी हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर इससे और किस तरीके से बचा जा सकता है आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। किसान भाई क्या लगभग मान के चलेंगे अभी डेढ़ महीने में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का घाटा तो हो ही गया है, ये मान के चलेंगे, क्योंकि इस समय ही ज़्यादा फल आने के चांस रहते हैं। इस समय फल की जो मार्केट हो, सब्जी की जो मार्केट होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग का चांस भी रहता है। अब तो किसान भाई का सब कुछ नष्ट हो गया है, इसी कारण से सब लोग बोलते हैं खेती नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसान भाई सब कुछ प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति अगर साथ दे देगी तो आप काफ़ी ज़्यादा पैसा है, अगर थोड़ा सा भी प्रकृति के साथ आपको चलना है तो प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ आपको काम करना होगा। किसान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर कोई सी भी जानकारी हमको बताने में त्रुटि रही हो तो आप कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।